अकेले भी लंच कर रहे हो, बुलाया भी नहीं, और टिकम हुआ कि नहीं। अरे यार कहाँ बुरा हुआ यार, तू सामा को जानते ही है, इतनी चीनी है साला, काम कम और चीनी ज़्यादा करवाता है यार, इतने कम सैलरी में इतना ज़्यादा काम यार, तू तो जानता है कैनेडा में फकीर की मुझे ज़्यादा सैलरी। हाँ यार वहाँ तो सही है यार। चल यार छोड़, कौन सी बातों में लग गए, और बता क्या लिखे हैं। मैं लिखे हैं, और तू क्या लिखा है। मैंने गाइस लिखे हैं, तेरी मम्मी ने हाथ चेक कर कर चेक करते हैं। हाँ यार बिल्कुल जरूर। वाह यार बट बिस्की है यार, तेरी भाभी खाना बहुत जबरदस्त लगती है, और मुझे खाने के साथ मेहनत बहुत करती है यार। वो सुबह 6 भी उठ जाती है, सबसे पहले मेरी पप्पी लेके आती है। बाद में यार वो घर की सफाइयों में लग जाती है, फिर जब तक मैं ऑफिस में चला जाता मेरी खिदमत करती रहती है। यार एक लुक नहीं खाती वो, लोग ख्वाब होते हैं कैसे भी मिले, मेरी देखो अल्लाह ने दिया यार, थैंक गॉड। यार मेरे वाले भी इसी तरह हैं, जैसे यार दुनिया कहती है सास बहू की बनती नहीं है, यार मेरी बीवी ने दुनिया को गलत साबित कर दिया, और मेरी बीवी घर में ऐसे रहती है सास बहू नहीं बल्कि माँ और बेटी रहती होती है। यार कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है वो एक घर नहीं है, वो एक जन्नत है, और वो मेरी बीवी जन्नत की पड़ी है। और यार लोग कहते हैं बीवी ऐसी है बीवी वैसी है, यार मैं तो कहता हूँ सब बीवी नंबर वन होती हैं। अच्छा यार मेरा तो हो गया, आधे घंटे का लंच टाइम होता है, 15 मिनट लंच कर लिया, 15 मिनट बीवी से बात करनी होती है। हाँ यार मेरा भी हो गया, कल रात से सो नहीं पाया, काम ही इतना ज़्यादा है यार, कभी मेरी आँख लग रही है कभी खुल रही है। अब सुकून से जाऊँगा, 15 मिनट बीवी से बात करूँगा, और फिर सुकून से काम करूँगा। भाई मैंने शिमला मिर्च ले ली है, इसके बाद भाई लहसुन का रेट क्या है। 320 रुपये लहसुन महंगा, मैंने छोड़ दी है, मैंने शिमला मिर्च और टमाटर और खीरे ले लिए हैं। अरे यार ये कहाँ से आ गया। भाई यार पैसे ले, सामान दे दे मुझे जल्दी मेरा। कहाँ चल पड़े हो, पूरी सब्जी तो ला देते। अच्छा यार मैं सामान सारा ले आया हूँ, मैं टमाटर शिमला मिर्च खीरे वगैरह ले आया हूँ, बाकी सामान मैं शाम को आता हुआ ले आऊंगा। तुम भी मेरी कोई बात नहीं सुनते, हाय मैं क्या करूँ। एक और बात सुनो, तुमने जो नाश्ता बनाया था ना एकदम घटिया था, तुम्हारी जिंदगी की तरह, बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी की तरह एकदम घटिया था। उस नाश्ते में ना तो कोई नमक था और ना ही मिर्च, बिल्कुल बेस्वाद था तुम्हारी जिंदगी की तरह। जल्दी से ना घर आ जाओ, तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की है, तुम्हारी माँ ने उस कपड़ों में गंदा पानी डाल दिया, अब जल्दी से घर आ जाओ, कपड़े तुम धोगे आज। बीवी ने दुनिया को गलत साबित कर दिया, और मेरी बीवी घर में ऐसे रहती है सास बहू नहीं बल्कि माँ और बेटी रहती होती। भाई यार मैं तो